765 mm की सैडल हाइट है, मतलब जिसकी हाइट 5 के लिए जावा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला। टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स, पहले फ्रंट ब्रेक चेक करते हैं। चैनल कैसे हो आप सब, आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आज मेरे पास है 2021 जावा 42 BS6 वेरिएंट, 2.1 नहीं है, 2.1 में बस इतने चेंजेस है कि आपको स्पोक्स की जगह अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तो आज देखेंगे चलने में कैसी है, क्लासिक के कंपैरिजन में कैसी चलती है, ओवरऑल सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट गाइस, सो चलते हैं अब इसकी छोटी सी राइड पर। कीज इसकी साइड में रहती है। सो कुछ इस टाइप का मीटर कंसोल आपको मिलता है, काफ़ी यूनिक मीटर कंसोल है इस सारी बाइक में। आपको ऐसे राइट साइड दिखता है बट ये लेफ्ट साइड है। गाड़ी को ऑन करते हैं, सबसे पहले हॉर्न सुना देता हूँ मैं आपको, बेसिक ही मिलता है। साइड स्टैंड लगा रहता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, पहले एग्जॉस्ट नोट आप सुन सकते हो। चलते हैं इसकी एक छोटी सी राइड पर। सो इनिशियल पिकअप तो बहुत ही बढ़िया है। एंड सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, अगर क्लासिक से कंपेयर करें ना गाइस, तो आप में से अगर किसी की हाइट कम है तो आप बेझिझक जावा के लिए जा सकते हो। 765 mm की सैडल हाइट है, मतलब जिसकी हाइट 5'4", 5'5", 5'6" है, जिसे कहीं ना कहीं क्लासिक चलाने में दिक्कत होती है, उसके लिए जावा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ से हम हाईवे भी चलेंगे। बाकी अब बात करते हैं इसके अगर हैंडल बार की, तो आप देख सकते हो गाइस इतना बड़ा हैंडल बार है और बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है आपके लिए कॉर्नरिंग करने में हाईवेज़ पर। और वाइब्रेशन तो मुझे मिनिमल आ रहे हैं, ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, थोड़े बहुत तो आएंगे बिकॉज आपको मालूम है 300 cc का इंजन है और कहीं ना कहीं रॉयल इनफील्ड वाली प्लेटफॉर्म पर बनी है ये। ब्रेकिंग इन सब की बातें हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ। 300 cc मतलब 293 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड क्यूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, जो कि अराउंड 27 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा, 26 से 27 के बीच में, 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मतलब जहाँ क्लासिक में आपको गाइस 20 PS की पावर मिलती है, यहाँ सीधे आपको 27 मिलती है, मतलब पावर काफ़ी अच्छी है। इनिशियल पिकअप इसका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा अगर मैं लेकर दिखाऊँ। तो इनिशियल पिकअप एज़ कम्पेयर टू रॉयल इनफील्ड काफ़ी ज़्यादा है एंड चलाने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका जो हैंडल बार है वो आपको थोड़ा लॉन्ग मिलता है, तो उससे क्या है कंट्रोलिंग करने में काफ़ी ईजी रहता है एंड कॉर्नरिंग भी आप ईजिली कर सकते हो यहाँ से। एंड टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स, पहले फ्रंट ब्रेक चेक करते हैं, इट्स गुड। एंड रियर ब्रेक भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो गाइस फ्रंट एंड रियर दोनों डिस्क ब्रेक, इसमें अराउंड आपको दो वेरिएंट्स ऑप्शन अवेलेबल है, सिंगल डिस्क ब्रेक एंड ड्यूल डिस्क ब्रेक। तो इसमें आपको ये जो वेरिएंट अभी मैं राइड कर रहा हूँ ये है ड्यूल चैनल ABS ड्यूल डिस्क ब्रेक वाला, आगे और पीछे का ड्यूल डिस्क ब्रेक है, मतलब ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है। डबल क्रेडल चेसिस है इसमें। यहाँ से हम हाईवे के लिए निकल रहे हैं एंड जैसा कि आपको बताया ये क्रूज़र बाइक है, तो ये कंपीट करती है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 से, मीटियोर 350, देन बेनेली इंपीरियल 400, हाइनेस 350 से। बहुत से कॉम्पिटिशन्स है बट सबके अपने पर्पस के अकॉर्डिंग है, सबके अपनी चॉइसेस रहती है। जिसे पहले से ही रॉयल इनफील्ड ओन करनी है तो फिर वो उसी के लिए जाएगा, देन जावा का अपना फ़ैन बेस है। बाकी है काफ़ी बढ़िया, बहुत ही रिफाइंड इसका जो स्ट्रोक है ना इंजन का, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू रॉयल इनफील्ड। बिकॉज रॉयल इनफील्ड में BS6 से तो यार स्ट्रोक वैसे भी मतलब बहुत ही कम कर दिए, उस अकॉर्डिंग इसका थोड़ा यूनिक स्ट्रोक है एंड मुझे अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज़ जावा की जो है इसका ड्यूल एग्जॉस्ट, ड्यूल एग्जॉस्ट मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फ्रंट में मिलते हैं टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोक सस्पेंशन, मतलब ऐसा जर्क्स वगैरह आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाले हैं, ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाली है।
एंड रियर सस्पेंशन की बात करें तो ट्विन शॉक हाइड्रोलिक गैस कैनिस्टर्स रियर में आपको सस्पेंशन प्रोवाइड करें। गाड़ी में टोटल 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। एज सच आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी देखो मैं लो गियर पर ही चला रहा हूँ, बट ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी गियर मांग रही है, मतलब काफ़ी बढ़िया है चलने में। रिफाइनमेंट लेवल इज़ सो गुड। टॉकिंग अबाउट द रियर मिरर्स, व्यू काफ़ी अच्छा है, बट थोड़े वाइब्रेशन आ रहे हैं रियर व्यू मिरर में, वो इग्नोरेबल है। हॉर्न काफ़ी बेसिक मिलता है, मतलब हाईवे के अकॉर्डिंग थोड़ा तो इसमें स्ट्रॉन्गर देना था, बट हाँ आप वो आफ्टर मार्केट करा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लीवर्स की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो गियर चेंजिंग करने में ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इन चलाने में काफ़ी बढ़िया फील आ रहा है यार। आप में से भी अगर कोई जावा लेने का प्लान कर रहा है तो मैं ही बोलूँगा एक बार चला कर देखो। एंड गाइस आप ऐसे आप ओवरटेक भी कर रहे हो ना तो पावर लैग बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला है, और मैं ऑनेस्टली बताऊंगा क्लासिक से कई गुना ज़्यादा आपको इसका इनिशियल पिकअप मिलता है। इनिशियल पिकअप की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर 0 to 80 जाना है तो इसका ज़्यादा पिकअप है, बट देन 80-100 के बाद तो फिर गाड़ी जैसे कि क्रूज़र बाइक है तो एक के लिए तो बनी ही नहीं है। बाकी अब हाईवे की बात करें तो काफ़ी बढ़िया स्टेबल रहने वाली है। अब इसको थोड़ा 70-80 की स्पीड तक जाकर देखते हैं। तो गाइस 6 गियर में और मैं अभी चला रहा हूँ अराउंड 80 की स्पीड पे, तो काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही स्मूथ है, वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं मुझे। एंड गाड़ी चल भी अराउंड 5000 किलोमीटर चल चुकी है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है। एंड माइलेज की बात करें तो देखो यार आपको 40 तक निकाल सकती है अगर आप हाईवे राइड कर रहे हो, बाकी सिटी में तो 35 से 37, एंड वो ओनर टू ओनर डिपेंड करता है। ओवरऑल चलने में मुझे काफ़ी बढ़िया लगी हाईनेस। गाइस मैं हाईनेस पर भी आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज हाईनेस पर अभी तक मैंने वीडियो बनाई नहीं है। सो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी है, और कुछ भी कंटेंट चाहिए जावा से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसके फ्यूल टैंक भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 14 लीटर्स का प्रोवाइड करा है, मतलब वन टाइम फुल करा दोगे तो वही आपके 400-450 किलोमीटर्स की राइड आप इजीली करके आ सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।